जिंदाबाद। नमस्कार, आप सब लोग अच्छे होंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रे, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान रे। हम लोग स्कूल के दिनों में छोटे क्लास में ही इन पंक्तियों को पढ़ लिए थे, लेकिन अफसोस कि ये केवल भावार्थ लिखने के लिए पढ़े, इसे जीवन में उतारने के लिए ना पढ़े, जबकि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ही है जिसे जीवन में उतारा जाए। कुछ पंक्तियां कितने साफ शब्दों में हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य को बयां कर देती हैं। कहते हैं निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। जिस तरह से निरंतर आती जाती रस्सी पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। एक छोटी सी कहानी से समझेंगे कि वास्तव में पढ़ाई का महत्व क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है। वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति ही स्वतंत्र है। कैसे, इसको समझिए। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति जंगल से एक तोता पकड़ के लाता है, उसे पिंजरे में बंद कर देता है। बहुत दिनों तक तोता पिंजरे में बंद रह रह करके उब गया, वो मुक्ति चाहता था। तो एक दिन की बात है कि वो व्यक्ति एक दिन दूसरे गांव जा रहा था। तोते को जब पता चला तो उसने कहा, मालिक दूसरे गांव जा रहे हैं, तो उस दौरान जंगल से होकर रास्ता आपका जाता है, तो वहां मेरे एक तोता गुरु रहते हैं, उनको एक मेरा संदेश सुना दीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हां क्यों नहीं, बोलो क्या संदेश है। तो तोते ने कहा, संदेश ये है कि मेरे तोता गुरु को कहिएगा, आजाद हवाओं में सांस लेने वालों के नाम एक बंदी तोते का सलाम। यानी इस पंक्ति में उसने अपनी वेदना बताई कि आजाद हवाओं में सांस ले रहे जो पंछियां हैं, उनकी उन्मुक्तता, उनकी स्वतंत्रता, उनका आनंद नहीं ले पा रहा हूं मैं। और जब वो व्यक्ति दूसरे गांव से लौट रहा था, तो जंगल में उस तोता गुरु को उस तोते का संदेश सुनाया, और जैसे वो संदेश उस तोता गुरु को सुनाया, वो सुनते ही वो तोता गुरु मर गया। वो व्यक्ति को समझ में नहीं आने लगा कि ये बात क्या है, इस संदेश में क्या था जो सुनते ही ये तोता गुरु मर गया। और घर आकर के जब उस बंदी तोता को बोला कि जैसे ही तुम्हारे तोता गुरु को, यानी तुम्हारे गुरु को वो संदेश सुनाया, वो मर गए। ये सुन करके वो पिंजरे का तोता भी मर जाता है। वो व्यक्ति बहुत उदास होता है, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। और फिर उस व्यक्ति ने पिंजरे को खोला, उस तोता को जैसे ही फेंका, मरे हुए तोता को, वो तोता उड़ गया। और तोता मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे गुरु ने यही संदेश दिया, अगर आजाद होना है तो अरे पगले मरने का नाटक करो। और मेरे गुरु ने मर करके
वो नाटक करके वो शिक्षा दे गए और आज मैं आजाद हुआ। ये होता है शिक्षा का महत्व, कि कभी भी आपको गुलाम नहीं रहने देगा। एक शिक्षित व्यक्ति को आप सलाह तो दे सकते हैं लेकिन कभी उसको गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो क्या हम लोग सिर्फ सलाखों पे बंद होना ही कैद खाना है? नहीं, मन भी पिंजरे में बंद होता है। किसी के बातों को दिल से लगा लेना, समस्याओं के सामने घुटने टेक देना, दुख में घबरा जाना, जीवन के चुनौतियों के सामने, मुश्किलों के सामने, दर्द के सामने, पीड़ा के सामने हम अपने आप को इस तरह से गुलाम बना लेते हैं, इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों में खुद को कैद कर लेते हैं कि आजाद होने के लिए वही शिक्षा हमें मदद करती है। तो मैं बताना चाहूंगा पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई क्यों करें। मैं कहता हूं पढ़ाई जीवन के अगर तीन रत्न कहें तो वो पढ़ना है, सीखना है, लिखना है। पढ़ना, लिखना, सीखना ये जीवन के तीन रत्न है, और जिसके पास ये जीवन के तीन रत्न है दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद वही है, क्योंकि दुनिया की तमाम दौलत को छीना जा सकता है। एक लोटा ऐसा दौलत है पढ़ाई की दौलत, जो कभी भी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अफसोस इसी दौलत को हासिल करने में हम लोग सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। पढ़ाई क्यों किया जाना चाहिए? पढ़ाई इसलिए किया जाना चाहिए कि जीवन के सच्चाइयों का अवशोषण करने के लिए, जीवन को अनुशासित करने के लिए, जीवन में आत्मविश्वास भरने के लिए, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, जीवन को विकसित करने के लिए। अगर जीवन में अगर परम ऊंचाई को अगर किसी एक वजह से छुआ जा सकता है तो वो केवल और केवल पढ़ाई है। हम अगर गौर करें इस जीवन की यात्रा को, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा में आप देखेंगे तो सीखने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। लेकिन हम लोग पढ़ना केवल डिग्री लेना को ही कहते हैं। डिग्रियां तो आज चंद रुपयों में मिलने लगी हैं, वास्तव में पढ़ाई का संबंध डिग्री से नहीं है। हम तो कहते हैं पढ़ाई का केवल संबंध नौकरी से जोड़ देना, आजीविका उपार्जन से जोड़ देना, पढ़ाई का इससे गंदा अपमान करना और नहीं हो सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास, जीवन शैली, व्यवहार, चरित्र, सद्गुण, इन चीजों का विकास के अभाव में अगर आप तथा कथित पढ़ लिख करके उन्नति भी कर लेंगे तो मैं कहता हूं दम घुटने लगेगा। आपको इस बात का समझ नहीं विकसित होगा कि हम जीवन को कहां खर्चा करें। इसलिए पढ़ा जाना चाहिए जीवन को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए। आप तो क्या कर सकते हैं, कोई अन्य चीज भी करके क्या कर सकते हैं, जीवन का पालन कर सकते हैं। केला बेच के खा सकते हैं, बादाम बेच के खा सकते हैं, आप कोई भी काम करके क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर जिंदगी को समझना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि चंद पंक्तियों को पढ़ लेना है और उपदेश देने लगना है। पढ़ने का मतलब है जिंदगी को पढ़ना है, पढ़ने का मतलब है प्रकृति को पढ़ना है, पढ़ने का मतलब लोगों के हाव भाव को पढ़ना है, पढ़ने का मतलब खुद का जीवन का उद्देश्य खोजना है। पढ़ने का इतना विस्तृत लक्ष्य है, लेकिन अफसोस हम चंद लक्ष्य में ही इसे सिमटा कर रख देते हैं, जिसके कारण पढ़ाई को आज हम लोगों ने संकुचित किया है। पढ़ाई का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कहा गया है कि शहीदों के खून से ज्यादा पवित्र विद्वान की स्याही है। कहा गया बंदूकों से आप आतंकवादियों को मार सकते हैं, लेकिन शिक्षा से आप आतंकवाद को ही मार सकते हैं। इतना महत्व है पढ़ाई का। आप पूरे समस्या के जड़ को ही समाप्त कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है पढ़ाई। फिर भी हम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है, कहां दोष है? आइए जानते हैं कैसे करें पढ़ाई, कितना करें पढ़ाई, कब करें पढ़ाई, क्या करें पढ़ाई। सच पूछिए तो
पढ़ाई जीवन की कढ़ाई है। तो जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। माना कि पढ़ाई उबाऊ है, लेकिन जीवन को मजेदार यही बनाता है। और ये मन का क्या है पता है? मन क्या है? मन मजा मारने का मशीन है। इतना कम मेहनत करना चाहता है, ये बड़ा आलसी है। आप इंटरनेट में उलुल जुलुल वीडियो देखिए तो मजा लेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भविष्य क्या होने वाला है, ये प्रेजेंट में मजा खोजता है, ये मेहनत करना ही नहीं चाहता है। एक बार अभ्यास का अभ्यास कर लीजिए, फिर दुनिया में ना आपको कोई चीज असंभव नहीं लगेगा। वही लाइन जो कह रहा था मैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान रे, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान रे। पढ़ाई तपस्या है, पढ़ाई बिल्कुल तपस्या की ही तरह है। जिस तरह से पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे भगवान को खुश करने के लिए, और तपस्या करने के दौरान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, और जब इससे भी वो अपने तपस्या को नहीं छोड़ता था तो फिर परियां आती थी उसे रिझाने के लिए और खूब करती थी धूम ताना धूम ताना और जो इसके बाद भी नहीं डिगता था अपने तपस्या में लीन होता था वो कामयाब हो जाता था। ऐसे ही जब आप पढ़ाई रूपी तपस्या करिएगा तो कभी गर्मी, बरसात, ठंडा, कई अड़चने आती हैं, तो बहुत सारे तपस्वी लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, आज बहुत गर्मी है करके छोड़ देते हैं, बहुत ठंडा है करके छोड़ देते हैं, बरसात करके छोड़ देते हैं, और तो बाकी आसपास की परियां रिझाने के लिए एक उम्र में लगी रहती हैं। कुछ लोग इन्हीं जाल में फंस जाते हैं और पता चलता है कामयाब नहीं हो पाते हैं। मैं आज के युवा पीढ़ियों को एक चीज बड़ी ही जोर दे के कहना चाहूंगा कि पढ़ने लिखने के उम्र में प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि एक बार भी इन झंझटों में पड़ गए तो जिंदगी झंडू बाम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करना है, करना है, वही करने के लिए तो जन्मे लिए, पहले तैयार तो हो लीजिए। और मैं कहता हूं पढ़ाई करके एक बार खुद को तैयार कर लीजिए, ये प्यार करने वाले नौकर आपके आसपास घूमते हुए मिलेंगे। लेकिन भारत की जवानी बर्बाद ही हो रही है ये लड़का लड़की के चक्कर में। अगर एक नजर दौड़ा के देखेंगे तो पाएंगे क्या रातें बीतती जाती हैं चैटिंग में, उससे कहीं बढ़िया होता कि अपना करियर के सेटिंग में बिताते तो एक उम्र गंवानी ना पड़ती। फिर मनुष्य के पास समस्या होता है कि अब उम्र नहीं है। अफसोस की बात यह है कि कितनों भी गलती हो जाए तो एक चीज याद रख लीजिएगा, मैं कहता हूं अगर कुछ गलती हो ही गई है, कुछ लत लग ही गई है, लेकिन जब समझ में आ गया तो उसी क्षण निर्णय लेके उसे त्यागिए। पढ़ाई का तपस्या करने के लिए कुछ डिस्टर्बेंस वाले चीज को छोड़ना होगा। पहला, मन के तथा कथित आलस्य को छोड़िए, पढ़ाई के महत्व को समझते हुए, क्योंकि एक चीज है मन नहीं लगेगा, मन मारना होगा। और अगर अभी मन मार के नहीं पढ़े, अगर अभी मौज मस्ती में अगर जैसे तैसे समय को बर्बाद कर दिए, इस उम्र को गंवा दिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो मन नहीं करेगा वो भी काम करना पड़ जाएगा। और सबसे घटिया जिंदगी तो उस समय लगने लगती है कि आपका ही सहपाठी जब चमचमाती कार से गुजरेगा और जब उसके गाड़ी पर लिखा रहेगा IAS, तो उस समय दिल धक से करता है कि मुझे भी मौका मिला था पढ़ने का, लेकिन हम पढ़े नहीं।
अब बात करते हैं कैसे पढ़ें। तो पढ़ाई करने के लिए कुछ चीजों को जो मन भटकाने वाली चीज है उसको छोड़ना पड़ेगा। और अभी सबसे मन भटकाऊ चीज में आपके सामने है मोबाइल। मैं ये नहीं कहता हूं मोबाइल छोड़ना है, मोबाइल बहुत काम का चीज है, लेकिन मोबाइल का लत एक बार लग जाएगा तो फिर आप किसी काम का नहीं रहिएगा। इसलिए उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। विषय वस्तु से जुड़े हुए चीज को आपके लक्ष्य में जो सहयोगी होगा उन चीजों की खोजबीन करने में इसका प्रयोग करिए, क्योंकि बिना मतलब का इधर उधर अनाप शनाप के चीजों को देखने में, आलतू फालतू के चैटिंग में अगर आप बिता देते हैं तो पूरा करियर का सेटिंग गड़बड़ा जाएगा। और एक चीज, एकाग्रता साधने का सबसे सुंदर उपाय यह है कि आप ना पढ़ने के लिए योजना मत बनाइए, प्लानिंग मत बनाइए कि अब पढ़ेंगे, शाम से पढ़ेंगे कि सुबह से पढ़ेंगे। तुरंत जैसे ही आंख खुला नहीं कि बस किताब लीजिए और उसमें लगिए। और क्या होता है ना, जब आप अपने दिमाग को एक सोर्स दे देते हैं सोचने का, तो आप फिर कुछ काम और भी कर रहे होते हैं, कपड़ा उपड़ा धोने का भी अगर काम कर रहे हैं, झाड़ू उड़ू भी लगाने का काम कर रहे हैं, खाना भी बनाने का काम कर रहे हैं, या रास्ते में कोई सामान भी लाने जा रहे हैं, तो आपका वो जो पढ़ा हुआ चीज है ना वही दिमाग में दौड़ता है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर समय आप जो पढ़ते हैं उसका दोहराव मस्तिष्क में कर सकते हैं। दुविधा ये है ना कि एक बार केवल इसका लत लगने दीजिए, लत ये लगने दीजिए ना कि आप शुरू में पढ़ने में जब बैठेगा ना तो बड़ा ही अकबकाह टाइप का लगेगा, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी पहले बढ़ाइए, नहीं मन करेगा फिर भी पढ़ते जाइए। और एक चीज, बच्चे क्या करते हैं कि देखिए आप जिस चीज का तैयारी कर रहे होते हैं ना उससे संबंधित चीजों को क्या करिए, पढ़िए। पढ़ाई के दौरान में एक चीज जरूर और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, और उसको देखने के बाद उससे संबंधित विषय वस्तु को क्या करिए, पढ़िए। ध्यान रखेंगे जो सदाबहार टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में काम आ सकता है, उस टॉपिक को इतना तंदुरुस्त कर लीजिए, उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी भी परीक्षा में जब आप बैठने जाए तो उसको एक नजर दौड़ाएंगे, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे तो वो चीज आपके जहन में बैठ जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कितना पढ़ें, एक झंझट ये भी आता है, तो कितना पढ़ें, इसका सीधा सीधा नियम है पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कामयाबी। जितना पढ़िएगा उतना ही बड़ा कामयाबी आपको मिलेगी, इसीलिए जितना पढ़िए उतना जल्दी कामयाब होइएगा। इसलिए अगर एक बार पढ़ाई के पीछे लग जाइएगा तो जीवन में फिर इतना आगे निकलिएगा, इतना सम्माननीय जीवन को पाइएगा कि आप खुद ही इस बात पर विश्वास न कर पाएंगे, यकीन न कर पाएंगे। ये केवल कहने की मात्र नहीं है, ये करने वाली बात है। जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए, जीवन का सौंदर्यीकरण करने के लिए, सुंदर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि एकलौता एक ऐसा हथियार है पढ़ाई जिससे पूरे विश्व को बदला जा सकता है। पढ़ाई आप में वो क्षमता प्रदान करता है जो किसी भी दुख का हल आप ढूंढ सकते हैं। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने शिकायत किया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति जो है उसका मुंह देखने से ही जतरा खराब होता है, इसलिए उस अपशगुन व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए महाराज। अकबर को लगने लगा, बादशाह अकबर को यह बात लगने लगा कि सीधे दंड देना तो सही नहीं, इसलिए मुझे जांच करके देखा जाना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह ही बादशाह अकबर उस गांव में गए और उस व्यक्ति के मुंह को देख लेते हैं, और संजोग ऐसा हुआ कि दिन भर बादशाह अकबर का कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ, ना खाना ठीक से मिला,
ना दरबारियों द्वारा ठीक से कोई काम हुआ और बादशाह अकबर को लगने लगा कि सही मायने में अब शकुन व्यक्ति, इसका मुंह देखने पर जितना खराब होता है, इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और इस तरह से फांसी पर लटकाने के लिए शाम में इंतजाम जब कर दिया गया और जब दरबार में सजा सुनाया गया तो वहां बीरबल थे, बीरबल तो पढ़े लिखे थे, बादशाह अकबर तो अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई का महत्व तो क्या होता है। तो बीरबल कहते हैं जहां अपना गुस्ताखी माफ हो। बोलो बीरबल क्या कहना है कि आप क्या मानते हैं कि ये व्यक्ति अपशकुनी है, इसका मुंह देखने से, सुबह सुबह मुंह देखने से जतरा खराब होता है, आपका ये मानना है? बोले हां, आज दिन भर हमको अगर चलते सुबह सुबह मुंह देखे इसके चलते आज हमको खाना नहीं मिला है। बीरबल कहते हैं जहां अपना अगर सच पूछा जाए तो इस व्यक्ति से ज्यादा अपशकुनी तो आप हैं कि बेचारा सुबह सुबह आपका मुंह देखा तो आज शाम को इसको फांसी का सजा दिया जा रहा है। ये होता है शिक्षा का महत्व कि अगर प्राण दंड भी मिले तो शिक्षा क्या कर सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है। इसलिए शिक्षित बनिए, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता है, अपने आप से प्रेम कर पाएंगे। ऐसा एक प्रसंग है कि शेरशाह सूरी के समकालीन हुए पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जब शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो मलिक मोहम्मद जायसी दिखने में बड़े कुरूप लगते थे, दिखने में सुंदर नहीं थे। जैसे ही दरबार में गए शेरशाह सूरी जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं और बाकी दरबारी भी हंसने लगते हैं कि कैसा एक मुंह है, रे बाप कटहल जैसा तो मुंह है। सब लोग हंसना चालू कर दिया। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं जहां अपना ये आप मुझको देखकर हंस रहे हैं या उस कुम्हार की रचना को देखकर हंस रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मलिक मोहम्मद जायसी अपनी शिक्षा के बदौलत, देखिए वो हीन भावना से भर सकते थे, वो सोच सकते थे कि हम ऐसा क्यों दिखते हैं, हम कुरूप हैं, लेकिन वो कहते हैं वो कुम्हार यानी उस ईश्वर ने जो बनाया हमें है, हम उसकी रचना है, अगर वो हमें पसंद कर सकता है तो मैं अपने आप को क्यों ना पसंद करूं। शेरशाह सूरी को ये बात समझ में आया और उन्हें पुरस्कृत करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से आप अपने कमियों को भी, शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख करके योग्य बन करके आप अपने अंदर के तमाम कमजोरियों को भी मजबूती का स्वरूप दे सकते हैं। ये शिक्षा की ताकत होती है। अक्सर हम लोग इस बात से चुक कर जाते हैं, कभी कभार हम इतराते हैं कि देखने में हम कितना सुंदर हैं, लेकिन आप सुंदर हैं ये कितना बड़ा भ्रम है। आप अपने आप को तो बनाए नहीं हैं, कुदरत ने आपको बनाया है, इसमें कुदरत का योगदान है। आपकी सुंदरता इस बात से आंकी जाएगी आप में कितनी गुणवत्ता विकसित, कितना प्रेममय है आप, कितना दयावान है, कितना करुणावान है, कितनी विद्वता से भरे हैं, कितनी विनम्रता है आप में, कितना सहिष्णुता है आप में, कितना मित्रता की भावना है आप में, कितने लोगों के सहयोग करने की क्षमता है आप में, कितने लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखने की योग्यता है आप में। और ये सारे सद्गुणों का दोहन केवल और केवल शिक्षा से किया जा सकता है, पढ़ाई से किया जा सकता है। अभी कुछ बच्चे इस बात को लेकर निराश हैं कि कोई वैकेंसी कंसी आ नहीं रहा है, क्या समय हमेशा ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, हम तो कहते हैं इतना काबिल बनिए, इतना योग्यता से युक्त करिए अपने जीवन को, इतना अपने आप को काबिल बना लीजिए कि अगर आप किसी सुंदर स्त्री पुरुष को देखें तो अपना मन को इस बात में ना भ्रमित करें कि हम इसे हासिल करने के लिए सब कुछ गंवा दे, ये सोचे कि हम इसे तो नौकरी दे सकते हैं, विदेशियों को नौकरी दे सकते हैं, विदेश में जाकर अपना कंपनी खड़ा कर सकते हैं। इतना अपने आप को अगर काबिल बना लिए तो शिक्षा का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए अवसर की कभी कमी नहीं होती है, सही पढ़ने लिखने की जरूरत है और कभी भी इतना देरी नहीं होती है कि हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, फिर से खड़ा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मीरा 5 साल की उम्र में जीवन का लक्ष्य चुन लेती हैं,
कहते हैं शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही एक यात्रा में निकल गए। कहते हैं भगत सिंह 23 साल के उम्र में ही जीवन को पूरा जी के चले गए। यीशु मसीह ने 30 वर्ष की उम्र में जीवन की यात्रा प्रारंभ की। कहते हैं बुद्ध 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान पाए। मोहम्मद साहब 40 वर्ष की उम्र में शुरुआत किए। महावीर 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान पाए। अब्राहम लिंकन 52 वर्ष की उम्र में जाके सफलता प्राप्त करते हैं। और मैं कहता हूं जॉर्ज बर्नार्ड शो जब 90 वर्ष की उम्र के हो गए थे, उस समय वो पेड़ चढ़ना सीखे, वो भी हाथ पांव तोड़ लिए। जॉर्ज बर्नार्ड शो ये वही है जिनको नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला हुआ है, जिन्हें इंग्लैंड का द्वितीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब सुकरात मरने वाले थे, उस समय जब उन्हें जहर दिया जाने वाला था, बगल में एक व्यक्ति गीत सीख रहा था। उन्होंने कहा मुझे भी गीत सिखा दो। बोला आप मरने वाले हैं तो क्या गीत सीखेंगे। सुकरात कहते हैं अंतिम समय में और एक चीज सीख के मरना चाहता हूं, क्योंकि जब आप सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो फिजूल चीजें अपने आप हट जाती हैं, और जितना भी फिजूल चीज को हटाने का आप प्रयास करेंगे वो पीछा करेगा। इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जिंदगी को शानदार बनाइए, कभी भी देरी नहीं होता है। चिंता मत करिए, अपनी चिंता को दूर करने के लिए इन पंक्तियों को सदैव याद रखिएगा। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, टूट गया सो टूट गया, डूब गया सो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शौक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जिंदगी को पुकारा जाए, पल पल इसको समारा जाए, जिंदगी को पुकारा जाए, पल पल इसको संवारा जाए, होंगी खुशियां ही खुशियां अगर दर्द को भी हंस के संवारा जाए। जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद।